नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर है। उन्होंने हाल ही में बता दी कि कैम्ब्रिज में संबोधित किया है और साथ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक किस्सा भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने बताया है कि जब कश्मीर में उनका सामना आतंकी से हुआ था तो क्या हुआ था। राहुल ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने उनमें से बता दें कि कश्मीर में पैदल यात्रा ना करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने बताया है कि जब मैं यात्रा कर रहा था हमें बताया गया था कि हमें मार दिया जाएगा, फिर भी हम यात्रा करते रहते थे। तभी भी एक शख्स ने मुझे बोला कि आपसे बात करनी है। सुरक्षा बलों ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, लोगों को अपने पास मत बुलाइए। राहुल ने कहा फिर भी मैंने उसे अपने पास बुलाया, वो शख्स मेरे पास आया। और राहुल ने आगे कहा कि उस शख्स ने उनसे पूछा कि क्या आप वाकई हमारी समस्या को सुनना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। फिर राहुल ने बताया कि हम जब आगे चल रहे थे उस शख्स ने मुझसे कहा कि वहाँ देखिए, उन्हें आप देख रहे हैं, वे लोग आतंकवादी हैं। सामान्य रूप से आतंकवादियों को मुझे मार देना चाहिए, इस वातावरण में मैं था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास कुछ करने के लिए कोई पावर नहीं थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें सुनने के लिए मैं आया था, मैं कोई हिंसा के लिए वहां पर नहीं गया था। उमेश पाल हत्याकांड में आतंकी बता दें कि आतंकी इस दौरान तमाम देखने को मिले हैं, लेकिन इस मामले को लेकर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि ऐसे अपराधी अगर जमानत पर जेल से निकलता है तो वो कल गवाहों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अली अहमद के कहा है कि आरोपी खुद माफिया डॉन है, इस पर गन पावर पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती कीमती जमीन लिखने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देना, साथ ही असद की ओर से पिस्टल से फायर करने के साथ ही विधायक राजू पाल हत्या केस में मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल दोनों होने के आरोप हैं। और साथ ही हाईकोर्ट ने जज से कहा है कि अली अहमद के परिवार के पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है, अपराध करना इनका फैशन है। यहाँ पर आपराधिक केस के गवाही नहीं समाज के लिए भी खतरा है, साथ ही इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है और ये आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने दी है। भारत के नेतृत्व में बता दें कि क्वाड के सदस्य देशों के लिए विदेश मंत्री की बैठक आज नई दिल्ली में हुई है और साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियन विदेशी मंत्री पैनी वोक और साथ ही जापान के विदेश मंत्री हेयाशी योशमासा बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले भी सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि आज होने वाली बैठक में पिछले बैठक की चर्चाओं को जारी रखने का अवसर मिलेगा, साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र जैसे हाल के घटनाक्रमों और साथ ही आपसी हिंसा के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार और आदान प्रदान किया जाएगा, जो खुले स्वतंत्र और साथ ही समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण पर आधारित होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में सदस्य देश अपने बता दें कि रचनात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने और क्षेत्र की समकालीन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए क्वाड की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में चीन की बढ़ती आक्रामकताओं की पृष्ठभूमि के हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो सकती है।
वहीं हरदोई में बीजेपी विधायक ने धान खरीद के बंदरबांट का आरोप लगाया है। बता दें कि साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक ने पत्र भी लिखा है और कहा है कि जनपद में धान की खरीद में किसानों को चूना लगाया जा रहा है, सरकारी धन का बंदरबांट करने वाले अधिकारियों की जाँच जल्द से जल्द कराई जाए। अलीगढ़ के थाना रोड़ावर क्षेत्र के गगन पब्लिक स्कूल के पास केशव बता दें कि रेजिडेंसी के बाहर दबंग बदमाशों ने होटल संचालक के साथ मारपीट की है और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में कई लोग होटल संचालक के साथ मारपीट करते हुए देख सकते हैं आप तस्वीरों में, और इस दौरान मारपीट में होटल संचालक को गंभीर चोटें भी आई है। वही स्थानीय पुलिस ने होटल संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया है, लगातार उनका इलाज जारी है, लेकिन इस तरीके की होटल संचालक के साथ मारपीट और दबंगे कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है। हाथरस में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने दुकान पर बैठे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। अचानक हुए ताबड़तोड़ फायरिंग में इलाके में सनसनी मच गई। वहीं बाइक सवार अज्ञात हमलावरों की गोली से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी एक मामला आया था, क्या मामला था? हाथरस जंक्शन क्षेत्र से आया था और पुलिस के साथ आया था। इसमें संभावना ये है कि इसको गोली लगी है राइट अपर चेस्ट में। तो क्या स्थिति है इसकी? तो ब्रॉड डेड था, मरा हुआ आया था। वही कासगंज में बीजेपी ब्रिज क्षेत्र अध्यक्ष जो बता दें कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, साथ ही पैसे न देने पर काम तमाम करने और धमकी देते हुए नजर आए हैं। वहीं बता दें कि बीजेपी ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कासगंज कोतवाली में FIR भी दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जाँच पड़ताल लगातार की जा रही है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक परिवार ने आज शराब माफियाओं के डर से न केवल अपना घर बल्कि अपना गांव भी छोड़ दिया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ माता पिता SSP के द्वारा बता दें कि बैठे और साथ ही मासूम बच्चे हाथों में तख्ती लेकर जिन पर लिखा हुआ नजर आया है कि कैसे बचे हम और कैसे पढ़े हम शराब माफियाओं हमें मारना चाहते हैं। पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब माफिया हरी मोहन इनके घर के सामने ही शराब का अवैध कारोबार करता है। जब जब इन लोगों ने शराब माफियाओं की शिकायत पुलिस को की, ये शराब माफिया इन लोगों के साथ बड़ी मुसीबत बनते हुए नजर आए थे। इनको धमकाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए थे। इन लोगों का कहना है कि ये शराब माफियाओं को पुलिस के साथ गहरा ताल्लुक है और पैसे का लेन देन भी होता है, इसी वजह से पुलिस हरी मोहन को कुछ भी नहीं कहती, जबकि हर बार शिकायत करते रहते हैं और इस दौरान जो शराब माफिया है ये लोगों को धमकाते भी नजर आते हैं। हमें जाते पर डर लगता है सर। अच्छा, हाँ, स्कूल ही जा पा रहे नहीं? आज गई थी सर, आज गई थी लेकर फिर नहीं गई सर। अच्छा, भगा ले आते सर। क्यों सर? डर लग रहा था सर, भगा ले आते सर। वो मारने की धमकी दे रहे थे सर, एक पूजा नाम की औरत है उसकी, हरिमोहन की, और हरिमोहन सर। वहीं महोबा में भीम आर्मी और साथ ही आजाद समाज पार्टी द्वारा राजस्थान में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में राजस्थान और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई है और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपते हुए हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी देने जाने की मांग करते हुए नजर आए हैं। साथ ही बता दें कि परिवार को 50-50 लाख का मुआवजा और परिवार के सरकारी नौकरी दिए जाने की भी मांग लगातार किए जा रहे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि गौ तस्करी के शक में राजस्थान के दो मुस्लिम युवक नासिर और जुनैद को गाड़ी के अंदर ही जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इसको लेकर भीम आर्मी और साथ ही आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला है। यही वजह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर महोबा के आजाद समाज पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी रणवीर सिंह गौतम के नेतृत्व में इकट्ठा हुए हैं कार्यकर्ता और इस दौरान जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और राजस्थान और हरियाणा की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का जो ज्ञापन है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का संयुक्त रूप से दिया गया है और यह ज्ञापन राजस्थान में हुई एक अमानवीय घटना को लेकर है जहां पर मुस्लिम समुदाय के हमारे दो साथी नासिर और जुनैद भरतपुर के रहने वाले थे तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी बहुत मारपीट की, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उनको कार में लेकर के गए राजस्थान के भरतपुर से हरियाणा के भिवानी जिले में और सबूत मिटाने के लिए उसी कार में डाल करके उनको जिंदा जला दिया। कानपुर में विदेशी महिला ने जीआरपी जवान पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और साथ ही बता दें कि जीआरपी सिपाही जितेंद्र सिंह को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महिला ने कानपुर जीआरपी थाने के लिखित शिकायत दी है और महिला अपने दोस्त के साथ तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से अगरतला जा रही थी। अगरतला तेजस एक्सप्रेस में कोच नंबर H1 में सफर कर रही थी और विदेशी बता दें कि महिला कानपुर में जीआरपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और साथ ही आरोपी जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए भेजा गया है। साथ ही बता दें कि मेडिकल होने के बाद ही कानपुर कोर्ट में उनकी पेशी हो जाएगी। अभी की रात अगर तल्ला तेजस एक्सप्रेस की एक सूचना थी कि एक जो स्पोर्टिंग कर्मी है उनके द्वारा एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी किया गया है। इस सूचना को यहाँ 22 बजे की घटना बताई गई, उसमें ट्रेन जो है अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पे निकट ही थी। इस सूचना को हम लोगों ने अटेंड किया और अटेंड करने के बाद जो पीड़िता थी वो स्विस मूल की जो विदेशी महिला थी उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, उस एप्लीकेशन के आधार पर यहाँ अभियोग पंजीकृत हुआ है और उसके बाद जो है आरोपी जो स्कॉट कर्मी हैं आरपीएफ के जवान उनको गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सिपाही का नाम है जितेंद्र सिंह। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि देश और प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार जो अपनी कुटिल नीति के रहते न केवल देश और साथ ही प्रदेश के ढपोल संखी घोषणाओं से जनमानस को भ्रमित कर रही है बल्कि अपने झूठे और कपोल कल्पित नारों से देश और प्रदेश में भय और आतंक का माहौल के साथ सांप्रदायिक सौहार्द को बाधित करने का कार्य किया जा रहा है। ये हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, सदन में संघर्ष करेंगे, डीएम ऑफिस के घेराव करने का काम करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे बढ़े हुए बिजली मूल्यों के खिलाफ। बहुत जल्द हम लोग पूरे जिले में बहुत बड़ा आंदोलन चलाने जा रहे हैं जिसके लिए हम सब बैठ के तैयार कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? आज जो है गैस के तरीके से बढ़ा दिए गए होली के त्योहार पे जहां घर पे लोग खुशियां मनाने के लिए पकवान तैयारी कर रहे थे, सरकार ने गृहणियों के आंखों में आंसू ला दिए है, 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया गया है।
झांसी में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो महिला एक नेताजी की जमकर पिटाई करती नजर आ रही है। बता दें कि दरअसल ये नेताजी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी बताए जा रहे हैं। ये महिला आखिर इस नेताजी के सरे बाजार में ऐसी पिटाई क्यों कर रही है, ये तो मामला जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस वायरल वीडियो में ये महिला काफी क्रोधित नजर आ रही है। बसपा के पूर्व विधायक शेखर तिवारी पर गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें आपको कि साल 2008 में बहुचर्चित इंजीनियर हत्याकांड मामले में जेल में बंद तत्कालीन बीएसपी विधायक को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है और पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी सहित 4 लोगों को 5 साल की सजा भी सुनाई गई है। ये 2008 की घटना है। दिबियापुर से तत्कालीन विधायक शेखर तिवारी के खिलाफ 1302 इंजीनियर हत्याकांड का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में उनके और उनके साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यह मुकदमा औरैया में विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट श्री संजय सिंह के यहाँ जिसका विचारण चल रहा था, जिसमें आज उन्हें गैंगस्टर एक्ट के तहत शेखर तिवारी तत्कालीन विधायक और उनके 3 साथियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास और 8,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। नूरपुर के खालसा इंटर कॉलेज के पास रोडवेज की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि इलाज के लिए मुरादाबाद ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना में मृतक के परिवारों में कोहराम समझा हुआ है। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके का बताया जा रहा है। बता दें कि जहाँ पर नूरपुर नगर के मोहल्ला इस्लाम नगर उर्फ तैलीपुरा का रहने वाला साहिल गुरुवार की शाम करीब 4 बजे किसी काम से पैदल रोड बस स्टैंड की ओर जा रहा था। वही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोहल्ले के एक युवक की स्कूटी से टक्कर लगने से वे सड़क पर गिर गया और साथ ही सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल साहिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बता दें कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये जो साहिल था लड़का जो डेड हो गया, ये जो है रोड पे चलता हुआ जा रहा था, तभी पीछे से जो है स्कूटी आई, जो साजिद है मतलब उनका लड़का जो है स्कूटी लेके आया पीछे से जी, और उसने जो है उसे जोरदार टक्कर मारी। उसकी जोरदार टक्कर लगने के बाद में वो सड़क पे गिर गया और गिरने के बाद में जो है उसके नाक कान मतलब नाक से और दोनों कानों से खून आ गया। उसके बाद में उसको आनन फानन में जो है हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर खलील साहब हैं हमारे नूरपुर के, उन्होंने मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया। इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।